तो ऐसे अगर सेमेस्टर वाइज गोल्स होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो ऑब्वियसली जो चल रहा है वो चल रहा है, बट तुम कोडिंग में एक स्किल पे फोकस करो एक सेमेस्टर में और उसको बहुत अच्छे से करो। देखो यार, चार चीजें कभी भी एक साथ मैनेज नहीं होती। तुम सेमेस्टर में मशीन लर्निंग भी सीख लोगे, वेब डेवलपमेंट भी सीख लोगे, ये नहीं होने वाला। तो अपने सेमेस्टर वाइज गोल्स डिफाइन कर दो, इस सेमेस्टर में ये करूंगा, फिर अगले सेमेस्टर में ये करूंगा, अगले सेमेस्टर में ये करूंगा। बहुत लोग ये वाली गलती करते हैं यार, सीख तो कुछ रहे हैं और मेजर प्रोजेक्ट किसी और स्किल में कर रहे हैं। तो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी कुछ करना है उसको क्लियरली जो भी तुम स्किल सीख रहे हो उससे अलाइन करो। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में यार एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करा था, बट मैं कुछ नहीं करता, पोस्टर लगाता था इधर उधर। हाय, मायसेल्फ फारिक हियर। सो यार, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में कि हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड कोडिंग टुगेदर। तो यार, जब हम कॉलेज में होते हैं, हमें असाइनमेंट सबमिट करनी है, हमें CGPA मेंटेन करनी है, प्लस हमें प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स भी सीखना है, डेवलपमेंट भी सीखना है, बहुत सारे काम करने होते हैं और हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। तो अपने आप में ये दोनों चीजें मैनेज करना बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है। मैं अपने टाइम के हिसाब से, जब मैं अपने कॉलेज में था, तब मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीखा था, डेटा स्ट्रक्चर्स भी सीखा था, कॉम्पिटेटिव भी करा था, एंड्रॉइड ऐप भी करा था और CGPA भी साथ साथ अच्छी सी मेंटेन कर ली थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें ऐसी बताने वाला हूँ पांच चीजें जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन दो चीजों को मेंटेन करने में। ठीक है, सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आई थिंक मदद करते रहा करो, बहुत मुश्किल काम है सब कुछ मैनेज करना। ठीक है, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं करा चैनल तो प्लीज कर लो, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। वी विल कीप गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन एंड स्टे मोटिवेटेड एज वेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। आई थिंक दैट वाज द थिंग जो मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करा था और तुम्हारे को भी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, कि हमारे को सेमेस्टर वाइज गोल्स डिफाइन कर देने चाहिए। एक सेमेस्टर में एक स्किल पे बहुत अच्छे से फोकस करूंगा, है ना। तो यार, जैसे मैं था अपने फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा कुछ खास किया नहीं था, बट अगर अगेन आई विल से कि जो थर्ड सेमेस्टर था मेरे को क्लियर था, मैं पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से फोकस करूंगा। फिर फोर्थ सेमेस्टर मेरे को क्लियर था, मैं थोड़ा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में फोकस करूंगा, साथ साथ अगर मुझे करना है तो थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं DSNL को मेंटेन कर लूंगा। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने पूरा वेब डेवलपमेंट को दिया। तो ऐसे अगर सेमेस्टर वाइज गोल्स होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो ऑब्वियसली जो चल रहा है वो चल रहा है, बट तुम कोडिंग में एक स्किल पे फोकस करो एक सेमेस्टर में और उसको बहुत अच्छे से करो। आई थिंक दैट क्लियरली हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज तुम्हें समझ में आ रहा होता है कि मेरे को डेटा स्ट्रक्चर ही करना है। तुम ज्यादा सोचते नहीं हो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, तुम्हें बस अपने काम पे फोकस करना होता है कि मेरे को इस सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा होना है, मेरे को इस सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा होना है। तो बस, और सेमेस्टर का बेस्ट पार्ट ये है, 6-7 महीने होते हैं तो इनफ गैप होता है और हम साथ साथ एक चीज पे फोकस करते हैं और कॉलेज ही मैनेज हो जाता है। देखो यार, चार चीजें कभी भी एक साथ मैनेज नहीं होती। तुम सेमेस्टर में मशीन लर्निंग भी सीख लोगे, वेब डेवलपमेंट भी सीख लोगे, ये नहीं होने वाला। तो अपने सेमेस्टर वाइज गोल्स डिफाइन कर दो, इस सेमेस्टर में ये करूंगा, फिर अगले सेमेस्टर में ये करूंगा, अगले सेमेस्टर में ये करूंगा। वो तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तुम्हारे उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, है ना। आई थिंक दैट रियली हेल्प मी एज वेल, आई थिंक तुम्हें भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सेकेंड यार, आई थिंक जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है कॉलेज में, जो ब्रेक्स होते हैं, हमारी हॉलीडेज आती हैं बीच में, जैसे विंटर में दिसंबर की टाइम हॉलीडेज आती हैं या समर की हॉलीडेज होती हैं, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है लर्निंग का। देखो, सेमेस्टर में क्या करना है, जो तुमने छुट्टियों में सीखा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रिमेनिंग सेमेस्टर में। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने फर्स्ट ईयर के एंड होने के बाद 2 महीने लग के डेटा स्ट्रक्चर सीखा, लर्निंग करी। तो जब लर्न करते हो ना तो बहुत ज्यादा एफर्ट मारना होता है, जब प्रैक्टिस करते हो तो क्योंकि आया हुआ होता है तो उसको बस और बेटर होते जाना है, बट जो स्टार्टिंग वाला एफर्ट है ना उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट मारना होता है, वो कॉलेज के साथ मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के ब्रेक में डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करा, ऐसी जब बेसिकली थर्ड सेमेस्टर आया तो उसके ब्रेक में मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दिया, फिर फोर्थ सेमेस्टर में पेल के एंड्रॉइड ऐप बनाई, है ना। ऐसी जैसे फिफ्थ सेमेस्टर से जस्ट पहले मैंने वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीखी और आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने वेबसाइट बनाई, उसका इवेंचुअली स्टार्टअप भी करा। तो जब सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है उस सेमेस्टर में तुम्हें क्लियर है मैं इस सेमेस्टर में इस चीज पे फोकस करूंगा, बट उसकी थोड़ी लर्निंग जो उस सेमेस्टर से जस्ट पहले हॉलीडेज आ रही है ना उसमें थोड़ी लर्निंग स्टार्ट कर दो, दैट विल रियली हेल्प यू, क्योंकि फिर तुम बाकी सेमेस्टर में बस प्रैक्टिस करोगे, राइट। जैसे मैंने सेकेंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत सारा लर्न कर लिया, फिर थर्ड सेमेस्टर में पेल के प्रैक्टिस करा डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। तो सेमेस्टर में जब पढ़ रहे हो कॉलेज के साथ साथ तो प्रैक्टिस पे फोकस करो और छुट्टियों में लर्निंग पे फोकस करो। जो तुम्हें कोई भी नई चीज सीखनी है वो छुट्टियों में सीखना कंपैरेटिवली आसान होगा रैदर देन मैनेजिंग इट एट द कॉलेज।
Yeah, this also helped me a lot. I think तुम्हें भी अच्छे से help करेगा. Third point पे चलते हैं. I think सबसे मुश्किल पार्ट होता है कॉलेज में या CGPA अच्छी मेंटेन करनी चाहिए. मैं बिल्कुल मानता हूँ जितनी अच्छी कर सकते हैं उतना अच्छा हमें करना चाहिए. और ऑनेस्टली CGPA मेंटेन करना होता फाइटर होता नहीं है. इतना वरी करने की जरूरत नहीं है. क्या करो जैसे तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं उस अगर एंड सेमेस्टर है तो 2 हफ्ते पहले अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो. अपने पास नोट्स रखो अपने क्लास के टॉपर के. वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें. या बेसिकली कॉलेज में जो भी नोट्स वगैरह मिलते हैं वही आएगा एग्जाम में. जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया वही आएगा. कॉलेज में जब क्लासेस चल रही है जितनी भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो उसमें थोड़ा अटेंटिव रहो. जो भी पढ़ा रहा है उसमें थोड़ा समझ में आना चाहिए. अपने नोट्स बनाओ ना बनाओ बट एक बार दिमाग में जरा अच्छा अच्छा ये आएगा इस टॉपिक में ये वाला आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में इस टाइप का आएगा. तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा बस क्लास में जो है उसमें अटेंटिव होकर एक बार दिमाग में ग्रास्प कर लिया. बाकी जब सेमेस्टर आएंगे एग्जाम आएंगे उससे 2 हफ्ते पहले पढ़ के मैं निकाल लूंगा. मिड सेमेस्टर में 1 हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो. ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके मैनेज करो. और उस टाइम पे कोडिंग मत करो. जब एग्जाम चल रहे हैं तो गिव अ ब्रेक टू कोडिंग मैं रिकमेंड करता हूँ. कोई बात नहीं 1-2 हफ्ते में कुछ नहीं होगा. बाद में हम थोड़ा ज्यादा एफर्ट मार के अपना फ्लो बना लेंगे. बट ड्यूरिंग द एग्जाम ज्यादा कोडिंग पे फोकस मत करो. अपनी CGPA पे फोकस करो. अच्छे से एग्जाम लाने अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश करो एग्जाम में. आई थिंक वो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा. मैं भी ये करता था अच्छी खासी CGPA भी रहती थी मेरी और ओवरऑल कोडिंग का फ्लो भी मेंटेन रहता था. बिकॉज जैसे एग्जाम एंड हुए थोड़ा सा 7-8 दिन लग के फ्लो मेंटेन कर लिया और फिर कोडिंग का फ्लो वापस आ जाता था. ठीक है तो बेसिकली ज्यादा टेंशन ना लो. जब सेमेस्टर आ रहा है उससे 1-2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो और CGPA भी अच्छी आ जाएगी और कोडिंग में भी अच्छे बनते रहोगे. ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यार जो तुम कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करोगे स्पेशली इन 3rd ईयर या 4th ईयर वो जनरली ना अपनी स्किल से अलाइन करना. कि अगर तुम जैसे जैसे मैंने पर्सनली 5th सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट सीखा तो मैंने जो मेजर प्रोजेक्ट दिखाया एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर वो वही वेबसाइट दिखाई जो मैंने बनाई है. अब यार इतना टाइम थोड़ी ना कि वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ और साथ साथ मशीन लर्निंग पे मेजर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कॉलेज में. यार वो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है और बहुत लोग ये वाली गलती करते हैं. यार सीख तो कुछ रहे हैं और मेजर प्रोजेक्ट किसी और स्किल में कर रहे हैं. यार वो बहुत ज्यादा मीडियोकर रिजल्ट आता है. ना वो अच्छा होगा ना तुम्हारी स्किल्स अच्छे से सीख पाओगे. अपना जो स्किल सीखना है उसी के अंदर मेजर प्रोजेक्ट बनाओ ना. दैट विल रियली हेल्प यू इन कॉलेज. है ना फालतू की भसड़ नहीं होगी कि हमें यार फालतू की चीज सीखनी पड़ रही है. क्योंकि फिर क्या होता है ना मेजर प्रोजेक्ट ढंग से समझ में आया हुआ होता है वो कॉपी पेस्ट मार के कर रखा होता है और अपनी स्किल में भी ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है कि यार ये अभी कहां पर अप्लाई करूंगा प्रोजेक्ट बनाऊं या ना बनाऊं. तो ऐसी चीज बनाओ ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बन जाए और उसी चीज स्किल को तुमने सीखा भी हो. वो तुम्हारे को सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा. तो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो भी कुछ करना है उसको क्लियरली जो भी तुम स्किल सीख रहे हो उससे अलाइन करो. मैंने एंड्रॉइड ऐप सीखी तो 2nd ईयर में वो वाला प्रोजेक्ट दिखाया. मैंने वेबसाइट बनाई 3rd ईयर में तो वो 3rd ईयर के एंड में वाला मेजर प्रोजेक्ट दिखाया. मैंने 4th ईयर में रिसर्च इंटर्न करी तो उसको मैंने मेजर प्रोजेक्ट दिखाया. आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू इन ओवरऑल लर्निंग एज वेल और ओवरऑल तुम्हारा एक प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाते हैं. तो फालतू की चीजों की ऑप्टिमाइजेशन मत करो. फालतू का इधर उधर दोस्तों के चक्करों में ज्यादा मत पड़ो. जो तुम सीख रहे हो उसी के अंदर मेजर प्रोजेक्ट बनाओ. ठीक है आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू. अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. आई थिंक इसने भी मेरी बहुत हेल्प करी है. देखो यार ये जो सोसाइटीज होती हैं जो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉलेज में क्लब्स वगैरह हैं उसमें पार्टिसिपेट करना अगर तुम्हें मजा आता है तो डेफिनेटली करो. बट एक चीज का ध्यान रखो उन चीजों की वजह से स्पेशली अगर तुम कोडिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो यार बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती. तो जितना तुम्हें टाइम देना है उतना दो. ऑब्वियसली उससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी. उसके तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा. है ना तुम्हें बेसिकली लोगों की शायद नेटवर्किंग बन जाए. वो सब चीजें हैं बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तुम कोडिंग में सीख रहे हो. क्या तुम स्किल्स अप्लाई कर रहे हो स्पेशली अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग जॉब्स में जाना है. तो ये चीजें ज्यादा मैटर करेंगी रेदर देन दैट. जैसे मैंने 1st ईयर में यार एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करा था बट मैं कुछ नहीं करता पोस्टर लगाता था इधर उधर. यार उन चीजों का कोई फायदा नहीं है ना. वो चीजें कोई वैल्यूएबल नहीं है. क्या वैल्यूएबल हुआ उसके बाद मैंने नहीं करा सोसाइटीज में कोई भी पार्टिसिपेट बट कोई रिग्रेट नहीं है. अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है तो मैंने 3rd ईयर में स्टार्टअप कर लिया उसमें मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा. नेटवर्किंग की बात है तो ऑब्वियसली जब तुम स्टार्टअप करा कुछ ना कुछ करके नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी. तो बेसिकली और भी तरीके हैं उसके केवल क्लब्स नहीं है. अपने आप कैमरे से बात करना शुरू कर दो. अपने आप को इंप्रूव होता हुआ देख लो. अपने आप को किसी से वैल्यूएट करवा लो कि मैं कैसे बात करता हूँ. मॉक इंटरव्यूज दे लो एक दूसरे दोस्तों के साथ. इन चीजों से भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं. ठीक है तो ये कुछ नहीं है कि क्लब्स में पार्टिसिपेट करना नेसेसिटी है.
अगर तुम टाइम निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बिल्कुल करो। बस मुझे लगता था यार इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे, तो मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था। तुम्हारी कॉल है, तुम्हें लगता है तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है, एक पर्सनैलिटी बन रही है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। बट अगर टेक की जॉब्स है तो ज्यादा हेल्प करेगा कि तुम कोडिंग में कितने अच्छे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं बनाए, ये चीजें तुम्हारे को ज्यादा हेल्प करेंगी इन क्रैकिंग द जॉब्स, इन ओवरऑल ग्रोइंग एज अ डेवलपर, ठीक है। तो ये पांच चीजें थी। इसके अलावा यार कॉलेज में ऑब्वियसली घूमना भी चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे टाइम पढ़ते रहो, बट जो मैनेजिंग वाली चीजें हैं कि कॉलेज में यार जब बाहर निकलो तो CGPA सही रहनी चाहिए, है ना, उसका रिग्रेट ना हो, हमारी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो कॉलेज का टाइम है ना वो कभी नहीं आने वाला, राइट। जितना तुमने कॉलेज में सीखा होगा वो तुम्हारे को आफ्टर द कॉलेज सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। जैसे मैंने इसमें जो पांच पॉइंट डिस्कस करे कि यार पहले सेमेस्टर वाइज गोल्स बनाओ, फिर दूसरी बात मैंने बोली कि यार समर्स को बहुत अच्छे से, मतलब छुट्टियों को ढंग से यूटिलाइज करो, थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि यार CGPA ढंग से मेंटेन करनी है तो एक दो हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर दो, चौथा पॉइंट मैंने बोला यार प्रोजेक्ट्स को अलाइन करो, जो भी तुम्हारी स्किल सीख रहे हो उससे अलाइन करो, पांचवा पॉइंट बोला मैंने जो एक्स्ट्रा को करिकुलर थिंग्स हैं अगर टाइम मिलता है तो करो पार्टिसिपेट, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ये चीजें ज्यादा वैल्यूएबल होंगी, इन चीजों को प्रायोरिटाइज करो। मैंने करा, ऐसा नहीं है कि मैं और चीजें नहीं करी, बट एक सही टाइम पे करी, ठीक है। तो ये पांच चीजें आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू इन मैनेजिंग योर कॉलेज एज वेल एज कोडिंग। कोई और पॉइंट तुम्हें लगता है जो मैंने मिस करा हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई तुम्हारा और कोई डाउट हो, कॉलेज में कोई इशू फेस कर रहे हो, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर दैट। और कुछ भी और पूछना हो, शायद मैंने कोई और पॉइंट मिस कर दिया हो, तो प्लीज अच्छे से बता दो और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अच्छे से अपने कॉलेज की पढ़ाई करो, अच्छे से अपने कॉलेज में मजे भी करो, और अच्छे से अपनी कोडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करो। ओके, गुड लक।